पूरा देश 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रहा है, तो वही संसद से लेकर सड़क तक महिलाओं के उत्थान की बात होती है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तो अपने सामाजिक उत्थान यात्रा में महिलाओं के विकास के लिए किए गए कामों को गिनाते नहीं थकते हैं। सरकार से लेकर विरोधी दल के स्लोगन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन वास्तविक में इसकी जमीनी हकीकत मात्र स्लोगन बनकर रह जाती है। ताजा मामला सुपौल जिले के नगर पंचायत बीरपुर वार्ड 13 की एक पीड़ित महिला की है, जो थाने से लेकर जमाने की ठोकर खाने को आज मजबूर है। जी हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी है, जो अपने ही पति जयशंकर प्रसाद साहू पर तीसरी शादी करने एवं ससुर सियाराम साहू, सास गुलाब देवी, देवरानी धर्मशीला देवी और शोतन रंजू देवी, इन सभी पर मारपीट एवं घर से निकाल देने को लेकर बीरपुर थाने में आवेदन देकर आज दर दर भटक रही है। पीड़ित महिला सरिता देवी बताती हैं कि उनके शादी साल 2004 में बीरपुर वार्ड 13 निवासी जयशंकर प्रसाद साहू से हुई थी, जिन्होंने अब तीसरी शादी कर ली है। पीड़ित महिला के ससुर पेशे से बीरपुर व्यवहार न्यायालय में वकील है। महिला ने बीरपुर थाने में अपना प्रताड़ना, मारपीट और घर से निकाले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित महिला बताती है कि इसके बावजूद भी ससुर के वकील होने की वजह से मुझे न्याय नहीं मिल पा रही है और पिछले 2 महीनों से दर दर की ठोकर खा रही हूँ और बसंतपुर प्रखंड कार्यालय के सामने लोगों का आवेदन लेकर गुजारा कर रही हूँ। बीरपुर वार्ड नंबर 13 में है, प्रोफेसर कॉलोनी। मेरे ससुर ही न्यायालय बीरपुर के सिविल कोर्ट में है, वकील है। हमारा ब्याह 2004 में हुआ, अभी तक मारपीट शुरू से लगल है। और तीसरा शादी करके ला लिया, कोई अभी तक हमारा हके नहीं मिला है, दर दर भटक रहे हैं। आवेदन भी थाना में दे चुके हैं और जगह दिए हैं, कतौ से कुछ हमें न्याय नहीं मिला है। अब सवाल उठता है कि जब सरकार के द्वारा महिला के लिए कई कानून बनाए गए हैं तो इस महिला को न्याय क्यों नहीं मिल पा रही है। हर जिले में महिलाओं के लिए थाने से लेकर पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए परिवार न्यायालय है, बावजूद आर्थिक तंगी और महंगी न्याय व्यवस्था के सामने कमजोरों को न्याय मिलना दिन में तारे गिनने के बराबर है। जी क्या मामला है? महिला देख रहे हैं भटक रही है। दरअसल में इस महिला का पति जयशंकर साहू वार्ड नंबर 13 बीरपुर का निवासी है, उसने तीसरी शादी की है और तीसरी शादी करके इसे घर से निकाल दिया है, इसके साथ मारपीट करता है और इसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि इसका जो ससुर है वो सियाराम साहू, वो पेशे से वकील है बीरपुर न्यायालय में, और ऐसे लोगों, ऐसे प्रबुद्ध लोगों के द्वारा अगर इस तरह की घटना होती है तो महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या मतलब रह जाएगा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ थाना प्रभारी महोदय से और आप लोगों से कि इस महिला को न्याय मिले, ताकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता साबित हो सके।